इंडिया को हमारे पास आके खेलना चाहिए, हमें इंडिया के पास जाके खेलना चाहिए। इंडिया के साथ आपको पता है कि कोई पॉलिटिकल टर्म्स एंड इश्यूज हैं जो चलते रहे हैं। स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सबको यही होता है कि आप वर्ल्ड चैंपियंस बनना चाहते हैं, सो आई थिंक वर्ल्ड कप में जरूर जाना चाहिए। 4 मैचेस भी हो रहे हैं, आई नो नॉट अ गुड सिनेरियो, पर होने जरूर चाहिए। अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान आना चाहिए, बल्कि एशिया की जितनी भी टीम्स हैं उन सबको पाकिस्तान आके खेलना चाहिए। आई थिंक पाकिस्तान स्पोर्ट जो क्रिकेट बोर्ड है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हम लोगों ने देखें जितना हम लोगों ने सफ़र किया पिछले कुछ सालों में और उसके बाद अब जिधर हम स्टैंड करें, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग बड़े प्रोफेशनली बहुत अच्छा एक काम कर रहे हैं। टीमें आ रही हैं, दुनिया की बेस्ट टीमों ने हमारे इधर विज़िट किया। इंडिया के साथ आपको पता है कि कोई पॉलिटिकल टर्म्स एंड इश्यूज़ हैं जो चलते रहे हैं। आई थिंक ये ऊपर गवर्नमेंट्स का जो है वो इशू है, आई थिंक उनको रिजॉल्व करना चाहिए। बट एज ए क्रिकेटर मैं ये कहूँगा या एज ए स्पोर्ट्समैन मैं ये कहूँगा कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सो इंडिया को हमारे पास आके खेलना चाहिए, हमें इंडिया के पास जाके खेलना चाहिए, लेकिन अभी जो सर्कमस्टेंसेज हैं हमें उसके साथ वी हैव टू कोप विद इट। वहाँ पे क्या समझते हैं आपके जिस तरीके से ये जो एशिया कप वाला मामला चल रहा है और जिस तरह से लचक दिखाई गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि 4 मैचेस आप इब्तदाई खेलने और उसके बाद मैच शिफ्ट करने हैं न्यूट्रल वेन्यू पे, क्या समझते हैं कि भारत को इसके ऊपर लचक दिखाने के लिए प्रपोजल ठीक है, या आप समझते हैं कि अपने स्टांस पर रहना चाहिए कि अगर इंडिया नहीं आता तो हम भी वर्ल्ड कप ना खेलने जाएं? देखिए मेरी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है, वो इस वजह से क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन ना करें। सबको यही होता है कि आप वर्ल्ड चैंपियंस बनना चाहते हैं। ऑब्वियसली सिनेरियो इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यू कैन नॉट पुल आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। अगर हम सारे रियलिस्टिक हो जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ये चाहेगा कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में ना जाए। सो आई थिंक वर्ल्ड कप में ज़रूर जाना चाहिए, पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। जहाँ तक रह गई ये 4 मैचेस यहाँ पे होंगे और कुछ वहाँ पे होंगे, अगर इंडिया नहीं मानती, देखिए एशिया कप पाकिस्तान को कराने से पाकिस्तान को फ़ायदा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ़ायदा होगा। सो आई थिंक वो होना चाहिए। 4 मैचेस भी हो रहे हैं, आई नो नॉट अ गुड सिनेरियो, पर होने ज़रूर चाहिए। एटलीस्ट पाकिस्तान में तो मैचेस ज़रूर होने चाहिए। देखिए हम अफगानिस्तान से खेलने गए हैं दुबई में जो उनका होम ग्राउंड था, तो अफगानिस्तान को भी आना चाहिए। इसमें तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आना चाहिए, अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान आना चाहिए, बल्कि एशिया की जितनी भी टीम्स हैं उन सबको पाकिस्तान आके खेलना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल करता हूँ। मैं जिम शिम करके आया हूँ आज भी, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और क्रिकेट बॉलिंग शॉलिंग भी शुरू की हुई है मैंने। ऑब्वियसली देखें ये क्रिकेट जो है वो मेरी पहली प्रायोरिटी है, और ऑब्वियसली जो कुछ भी हो आज उसकी वजह से हो तो उसको तो लेट गो नहीं कर सकते। अभी बाय चांस आपको पता है कि समर्स हैं अभी जो है वो, क्योंकि लास्ट ईयर मैं 100 खेलने गया था, इस साल अभी तक 100 में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, सो देर इज़ नथिंग। अभी जो 2-3 महीने का गैप है, बट इसमें प्रैक्टिस करूँगा, मैचेस वगैरह खेलता रहूँगा, इंशाल्लाह अपने आप को जो है वो इन्फॉर्म रखूँगा, क्योंकि आगे फिर उसके बाद अक्टूबर में जैसे श्रीलंका की लीग आ रही है या आगे जो लीग्स आ रही हैं उसमें इंशाल्लाह फिर जो वो पार्टिसिपेशन होगी। लीग्स तो मैं खेलूँगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने रमदान में पहली रमदान गेम्स करवाई थी इस साल, और उसमें जो हमारे CM साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि हॉकी की रिवाइवल के लिए हम लोग मिलके काम करेंगे, और उसके ऊपर हम लोगों उन्होंने ये फैसला किया था कि 20 ऐसे लड़के जो कि हॉकी के फ्यूचर और प्रेजेंट प्लेयर्स हैं उनके लिए हम स्टाइपेंड्स जो हैं वो अनाउंस करेंगे, और हम लोगों ने इसके लिए एक कमेटी को बनाया, और उस कमेटी ने फिर हमें ये नाम फॉरवर्ड किए। इसमें एक चीज़ बताते जो ये वो 20 लड़के हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने अपनी जितनी भी हमारी अभी तक बातचीत हुई है उसमें ये वो लड़के जो जॉबलेस थे, जिनके पास जॉब नहीं थी, तो बेसिकली हमने फोकस ये किया कि हम लोग उन लोगों को स्टाइपेंड दें जो जॉबलेस थे, और हम लोग एज एक इनिशिएटिव शुरू करें जो आज से पहले कभी नहीं हुआ स्टाइपेंड्स का, और वो हमने फिर अनाउंस किए। इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि बाय चांस अगर इसमें कोई नाम ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोगों ने अपनी तरफ से तो इंक्वायरी की है लेकिन कुछ एक दो नामों पर हमें थोड़ा सा जो है वो डाउट है, लेकिन हम फिर भी उनको अनाउंस करें कि शायद वो कहीं पे जॉब है उनकी और वो दे बिंग पेड, अगर ऐसा हुआ तो उनका जो स्टाइपेंड है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी और लड़के के साथ। सो ये पहले 20 नाम हैं इनका मैं ले लूँ, इसमें कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और कुछ नेशनल प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं। मोहम्मद मुनीब ये गोल कीपर है लाहौर से, राना सोहेल मिडफील्डर लाहौर से, गजनफर मिडफील्डर लाहौर से, अब्दुल मनान मिडफील्डर लाहौर से, अवैस ये नेशनल प्लेयर्स हैं, गोलकीपर हैं सरगोदा से, समीउल्ला डिफेंडर लाहौर से, हमज़ा डिफेंडर हैं गुजरांवाला से,
साद शफीक डिफेंडर साहिवाल से, उमर गुजर ये स्ट्राइकर हैं जी साहिवाल से, इसके बाद खालिद हमाद हैं जी मिडफील्डर साहिवाल से, सिकंदर अली जाकिर हैं रावलपिंडी से, अमाद हैं मुल्तान से, अरसल हैं मुल्तान से, शमून मुल्तान से, जोहेब डीजी खान से, अली रज़ा डीजी खान से, मोहम्मद अब्दुल्ला फैसलाबाद से, अली रज़ा फैसलाबाद से, राना सोएब सरगोदा से और मोहम्मद सिराज सरगोदा से। तो ये वो 20 लड़के हैं जी जिनके लिए स्टाइपन अनाउंस किया हमने और ये अगले महीने से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा और इन लड़कों को बहुत बहुत मुबारक हो और होपफुली फ्यूचर में ये इसी तरह अपने आप को और अपनी गेम को और डेवलप करें और इंशाल्लाह ये जो हमने सिलसिला शुरू किया इसको इंशाल्लाह हम आगे भी कंटिन्यूएशन में रखेंगे ताकि हम अपने प्लेयर्स को जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं हम उतना ज़्यादा इसको सपोर्ट कर सकें। पर मंथ कितना दिया जाएगा? हम लोग अभी जो स्टार्टिंग हमने इनसे की है वो पर मंथ हम लोग 20,000 से इनको स्टाइपन हमने स्टार्ट किए हैं। इसके साथ साथ अभी इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में अभी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं डेवलपमेंट्स के ऊपर जिसके ऊपर हम लोग ये फैसला कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट 300 एथलीट्स को जो है वो ऑन बोर्ड करें अपने साथ पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और उनके साथ जो है फिर हमारी ये होगी कि हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में करके एक तो उनको जो भी हमारी पंजाब बोर्ड्स की फैसिलिटीज़ है वो उसमें फ्री उनको जो है एक्सेस मिलेगी वो हर तरह की अपने शहर में या अपने कहीं पे भी आते हैं या पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड आते हैं किसी का कोई कैंप लगा हुआ है कोई बच्चा आके यहाँ पे कैंप करना चाहता है प्रैक्टिस यहाँ पे करना चाहता है तो उसको अकोमोडेशन खाना वगैरह सारा जो है वो हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक तो हम इस कल्चर को अब शुरू कर रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं कि हम इसको इस तरीके से लेके जाएं प्लस वो जो प्लेयर्स होंगे उनके अपने शहरों में जिस तरीके से जिम की फैसिलिटीज़ हैं अगर हमारे किसी कोई बाय चांस अगर साहिवाल या जो छोटे छोटे शहरों में रहते हैं जहाँ पर जिम की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं या जो उनके शहर में बेस्ट जिम अवेलेबल है उनकी ट्रेनिंग के लिए उसका भी जो ख़र्चा होगा या उसकी भी जो भी होंगी चीज़ें वो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो केटर करेगा उसको। तो ये एक इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक दो चीज़ें और हैं जिन पे हम काम करें जब तक हम लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल जाए तो उस पर बात नहीं करेंगे लेकिन हम कोशिश ये करें कि उन लोगों का मेडिकल भी जो है वो टोटली फ्री हम लोग कर सकें और उसके लिए हमारी एक दो हॉस्पिटल से बात हो रही है अगर हमें कोई इंशाल्लाह वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिलता है तो हम इंशाल्लाह उनका मेडिकल भी जो है वो इस जो 300 बच्चे जो हम अनाउंस करेंगे उनके साथ जो है हम उनका मेडिकल पैनल भी जो है वो उनका मेडिकल भी फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं ये कुछ पेश और रफ्त है जो हम लोग कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे जो है वो और अच्छा जो है हम कोशिश करेंगे कि हम अपने पंजाब के जितने भी स्पोर्ट्स बोर्ड के हमारे एथलीट्स हैं उनको हम कोशिश करें कि उनके लिए चीज़ों को हम आसान करें और उनकी जितनी हम मदद कर सकते हैं वो उनको हम लोग वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। नेशनल और इंटरनेशनल में देखें फ़र्क इसलिए नहीं रखा देखें अभी एक चीज़ का स्टार्टअप है हम लोग उस तरीके से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह अभी तक हमारे पास वो नहीं है कि हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस करें। जिन बच्चों की हम बात करें जो एथलीट्स की हम बात करें कि जो आने वाले फ्यूचर में जो हम प्लान करें जिसमें इंशाल्लाह हम लोग आपको कोई 2-3 हफ्ते में इंशाल्लाह इसका अपडेट देंगे उसमें हम फिर ऐसा करेंगे कि जिसमें हम लोग जो है वो जो अच्छे प्लेयर्स हैं जो नेशनल प्लेयर्स हैं जो नेशनल लेवल पे हैं और फिर जो उसके बाद नीचे इमर्जिंग है या जो इन बिटवीन है उन सबको हम लोग केटर करें। अभी ये एक स्टार्ट है आई नो कि इतना हैंडसम अमाउंट नहीं है बट एटलीस्ट इट्स अ स्टार्ट इट्स एन इनिशिएटिव जो शुरू कर रहे हैं हम और आई थिंक कि उस इनिशिएटिव को देखना चाहिए कि आज से पहले जो इधर ऐसी चीज़ें पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में नहीं हुई उनका कल्चर हमने क्रिएट करना शुरू किया। सो नेशनल प्लेयर भी उतनी मेहनत ही करता है इमर्जिंग भी उतनी मेहनत ही करता है लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे जो है इनको थोड़ा सा बढ़ाएं और इसको जो कैश हमारा स्टाइपन है इसको भी ऊपर लेके जाएं। देखिए बिल्कुल हमारा प्लान जो है नियर फ्यूचर में देखें अभी हमारा ADP हमारा जो प्रोजेक्ट होता है जिसमें बजट हमारा सारा होता है कि जिसमें आपको डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट जो फंड्स होते हैं उसमें आपको
आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको किस तरफ ज़्यादा जाना है। तो ये आपको बताते जाएँ कि इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा होगा कि जो इंशाल्लाह अनाउंसमेंट होगी उसमें जो हम लोग अपना है नॉन डेवलपमेंट फ़ंड, उसमें हम आप देखेंगे कि एक हैंडसम अमाउंट है जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स के लिए मुख्सिस कर रहे हैं। और वो प्लेयर्स के साथ हम ये करेंगे कि हम एक साल का शेड्यूल अनाउंस करेंगे जी, जो आप सबके पास होगा कि एक साल में स्पोर्ट्स बोर्ड में क्या क्या गेम्स होंगी, क्या क्या ये जो है प्रोग्राम्स हैं, मसलन के क्या क्या स्पोर्ट्स होंगी, क्या क्या इवेंट्स हैं एक साल के अंदर आने वाले, वो डेटेड होंगे। और उसकी जितनी भी फंडिंग होगी वो सारी हमारे जो बोर्ड है वो खुद करेगा। उससे ये चीज़ हो जाएगी कि देखिए अगर एक साल में हम लोग 4 से 5 टूर्नामेंट करवाते हैं और हर टूर्नामेंट में कोई हम लोग 7 से 8 गेमों को स्पेसिफिकली इधर डिसिप्लिनस कहा जाता है स्पोर्ट्स डिसिप्लिनस को अगर हम कैटर करते हैं, तो देखिए 5 एक साल में 5 टूर्नामेंट्स का मतलब है कि आप 12 महीने में यानी हर 2 महीने बाद कोई ना कोई इवेंट आएगा जिसमें जितने भी यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स के हैं, जितने आई थिंक 33 हैं इस वक्त जो हमारे पास हैं, 40 समथिंग है, हम उन खेलों को करवाएंगे हम लोग। वो हर 2 महीने बाद कोई ना कोई हमारा आता रहेगा इवेंट जिसको जिससे प्लेयर्स को फ़ायदा होता रहेगा, बेनिफिट होता रहेगा, जो इनामी रकम है वो अच्छी मिलेगी। सो यू नो ये एक कल चीज़ हमने तैयार की है और इंशाल्लाह वो शेड्यूल जब हम अनाउंस करेंगे तो उसमें हम लोग अपने प्लेयर्स को कैटर कर सकते हैं, क्योंकि जितनी गेम्स होंगी जितनी गेमें खेली जाएंगी उतना प्लेयर्स को फ़ायदा होगा। प्लस उसमें हमने ये भी रखा है कि क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे कुछ प्लेयर्स को इस चीज़ का बहुत मसला है कि फेडरेशन के पास पैसा नहीं है और उनको अगर किसी कॉम्पटिशन में जाना पड़ता है और उस कॉम्पटिशन में जाके उन लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ता है तो उनके पास कभी टिकट्स नहीं होती, कभी होटलिंग नहीं होती, तो हम लोगों ने उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा है और इंशाल्लाह उन चीज़ों पे भी काम होगा कि जो हमारे बेस्ट एथलीट है पाकिस्तान के स्पेसिफिकली जो पंजाब से हैं, क्योंकि ये पंजाब को हम ज़्यादा तरीके हमें कैटर करना है, तो उसमें जो है हम कोशिश करेंगे हम उन लोगों को भी जो है फैसिलिटेट कर सकें।